वेलकम बैक टू गुडलीन एंड बबली चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं, मसाला मैक्रोनी। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आ चुके हम अपनी किचन में। सो लेट्स स्टार्ट दिस रेसिपी। तो गाइस, सबसे पहले हम पानी को बॉईल कर लेंगे, फिर उसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। सो गाइस, ये है हमारी मैक्रोनी। सो अब हमारा पानी जो है वो बॉईल हो चुका है, तो अब हम इसमें अपनी मैक्रोनी डाल देंगे। जो हमारी मैक्रोनी है, जब तक ये बॉईल हो जाती है अच्छे से, तब तक हम इसकी जो सॉस है वो रेडी कर लेते हैं। इसको हम एक बार ना हिला लेंगे और ये 5 to 10 minutes में अच्छे से बॉईल हो जाएगी, फिर हम निकाल के चेक कर सकते हैं। सो गाइज, हमने कढ़ाई गरम कर ली, उसमें हमने ये ऑयल डाल दिया है। सो गाइज, मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। जैसे ही हम जो मैक्रोनी को जब बॉईल करते हैं, उसके बाद जो पानी हम ड्रेन करते हैं उसको फेंकिए मत। जब हमारी सॉस रेडी हो जाएगी, उसमें हम वो 2 से 3 चम्मच वो पानी डालेंगे, तो इससे क्या हमारी सॉस जो है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगी और पतली हो जाएगी, जिससे हमारा पास्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। सो गाइज, हमारी मैक्रोनी बॉयल हो चुकी है। नाउ वील स्ट्रेन दिस वाटर एंड थोड़ा सा पानी हम बचा के रखेंगे। सो गाइज, हमारा तेल हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। सो गाइज, उसके साथ ही हमारी मैक्रोनी भी रेडी हो चुकी है, जिसको मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पर मैंने इसका जो पानी है वो भी 2 से 3 चम्मच निकाल लिया है। इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें हम अदरक और लहसुन भी डाल देंगे और हरी मिर्ची भी डाल देंगे। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सो मैं 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट इसमें ऐड करूँगी। गाइस, अब हम 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। अब हम इसमें बीन्स डाल देंगे। गाइस, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। हमें टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और कलर आएगा। सो गाइज, अब हम इसमें 2 चीज़ें डालेंगे, जीरा पाउडर और कसूरी मेथी। ये हम चीज़ें एंड में डालेंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर रहना चाहिए। ये मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और सेकेंड हम थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब हम इसको स्टर करके ढक के रख देंगे, जब तक कि हमारा टमाटर जो है वो अच्छे से पक नहीं रहता। तो गाइस, अब हम इसको ढक देंगे, जब तक कि हमारा टमाटर जो है अच्छे से पक नहीं जाता। तो गाइस, हमारी जो सॉस है, जो मसाला हमने रेडी किया था, वो बन चुका है। बस अब लास्ट स्टेप क्या ऐड करनी है हमें, मैक्रोनी। सो लेट्स ऐड इट। इसको हम थोड़ा खोल खोल के डालेंगे, क्योंकि कभी कभार ना ये चिपक जाती है धोने के बाद। गाइस, हमारा पास्ता एकदम टेस्टी लग रहा है, पर अभी इसको 5 मिनट और लगेंगे। अब हम इसमें एक लास्ट स्टेप ऐड करेंगे, जो है टमाटो सॉस और ये जो पानी हमने रखा था वो। सो गाइस, ये थोड़ा सा पानी था जो हमने बचाया हुआ था वो, और अब हम टमाटो सॉस, टोमेटो केचप इसमें जो है ऐड कर देंगे। मैं ये 3 बड़े चम्मच ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने नमक कम ही रखा था। और इससे क्या है, नमक भी हो जाएगा और कलर जो है वो और निखर के बाहर आएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, बस 2 मिनट्स टू गो, बस ये बनने वाला है, फिर हम ढक्कन उठा के इसको सर्व करेंगे।
तो गाइस हमारा पास्ता एकदम रेडी है, आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और एंजॉय। बाय।